ओम शांति। मेरा शरीर का नाम किरण भल्ला है। मुझे ज्ञान में चलते हुए 25 साल हो गए। मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ और बाबा मिलन 2 बार कर आई हूँ। 1 बार योग शिविर में, 2 बार बाबा मिलन किया। बाबा मिलन के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। बाबा मिलन के बाद जब मैं कमरे में आई तो मुझे लगा कि बाबा मुझे अपने पास बुला रहा है। जब बाबा ने मुझे ऊपर लेके गए, एक स्टेशन आया, स्टेशन पे बाबा ने एकदम मुझे छोड़ दिया। वो टाइम मेरे बाद कितनी देर मेरी बुद्धि में चलता रहा कि ये क्या बात हुई, बाबा ने ये क्यों टच किया मुझे। फिर एक दिन मैं पूरा दिन यहाँ योग कर रही थी क्लास में, तो फिर बाबा ने कहा कि, मैंने कहा बाबा ये क्या चीज़ थी, तो बाबा ने कहा कि ये दुनिया की भीड़ से तुझे निकाला बच्ची, अब तुम्हें देखना है कि तुम क्या कर रही हो। जब मैं फर्स्ट टाइम आती थी ज्ञान में, तो एकदम मेरे को एक परिस्थिति आई ऐसी कि मेरी सुसाइड की करने की नौबत आ गई थी। तो मैं यहाँ आश्रम में आई, दीदी थे, छोटी बहन थी यहाँ पे, उन्होंने मुझे बाबा रूम में बिठाया। मैं यही कह रही थी कि मैंने तो मर जाना है, मैंने अब जीना नहीं है, मैंने मरना ही है बस। फिर दीदी ने मुझे बहुत समझाया, टोली खिलाई और मुझे बोला कि अब आप बाबा के रूम में बैठो, फिर चाहे मर जाना, एक बार कल बड़े दीदी से मिल लो। दीदी कहीं किसी स्थान पे गए हुए थे सेवा के लिए। थैंक्स फॉर बड़े दीदी, राज दीदी, उन्होंने अपना, मैंने कहा मैं तो 2 बजे आ सकती हूँ, देख लो अगर दीदी मिल सकते हैं तो, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। कहते कोई बात नहीं, आप 2 बजे आ जाना। दीदी का उस समय रेस्ट करने का टाइम होता था, फिर भी दीदी ने मुझे ऊपर बुलाया। ऊपर बुला के सारी मेरी बात सुनी, मुझे समझाया कि कोई बात नहीं बच्ची, तुम रोज़ क्लास में आओ, रोज़ मेडिटेशन करो, बाबा की मुरली सुनो। मेरे घर के पास भी गीता पाठशाला है, पर नहीं, मैं यहीं आती हूँ, यहाँ पे आके डेली मुरली सुनती हूँ, दीदी से कोई ना कोई बात करती हूँ, बहनों से बहुत अच्छी बातें होती हैं, हम बाद में बैठ के भी डिस्कस करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, मुरली डेली मुरली सुनते हैं, और कोई भी कोई बात हो तो हम दीदी से ज़रूर करते हैं। दीदी से माँ जैसा प्यार मिला। थैंक्स फॉर राज दीदी, थैंक्स फॉर बाबा। ओम शांति शिव।